प्राइवेट स्कूलों की खुली लूट के खिलाफ हिंद युवा महाशक्ति सेना टीम ने खोला मोर्चा। देश में निजीकरण व्यवस्था धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही है, जिसके परिणाम हमारे सामने हैं और कुछ परिणाम भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा खुली लूट की जा रही है। प्रतिवर्ष किताबों को चेंज किया जा रहा है। प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग ड्रेस का चलन शुरू किया जा रहा है। स्कूलों में कैंटीन खोलकर फास्ट फूड बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका विरोध होना बहुत जरूरी है। हिंद युवा महाशक्ति सेना टीम के द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों के कई मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें छोया नदी के दूषित जल और नगीना रोड स्थित हरपति मेमोरियल पब्लिक स्कूल पेदी से लेकर मोमिनपुर दरगो होते हुए मौजीपुर गोपालपुर जाने वाला मार्ग, जो दर्जनों गांवों को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क पर लगभग पिछले 20 वर्षों से सड़क पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ना सोसाइटी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों की लापरवाही और एक दूसरे के पाले में गेंद डालने के चलते निर्माण कार्य अटका हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिला प्रशासन से आज सभी ने मिलकर गुहार लगाई है, नहीं तो जल्द ही यह समस्या एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगी, जिसके लिए लापरवाही करने वाले विभाग जिम्मेदार होंगे। आपका टीचर का ध्यान तो गया, शहीदों के सम्मान में सब राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे जगह भी काफी है, वहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया जाए और उसकी प्रतिमाएं लगाई जाए वहाँ पे। आने वाले समय में वो जो शहीद चौक के नाम से जाना जाए, ये हमारी मांग है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं बनी हुई, उसमें क्या है, कुछ आदमी गए थे वहाँ पे ज्ञापन वगैरह लेकर अपनी एप्लीकेशन लेकर, पीडब्ल्यूडी वालों ने बोल दिया कि ये वो बनाए गए सोसाइटी वाले, गन्ना सोसाइटी वाले, गन्ना सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले बनाए गए। सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।